यूजीसी नेट जून 2012 का हलशुदा पर्चा नंबर 2। सवाल, रानी केतकी की कहानी किस जबान में लिखने का दावा किया गया? जवाब, ए हिंदी। सवाल, कौन सी तसनीफ उसके मुसन्निफ़ के ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? जवाब, बी बागो बहार। सवाल, आप बीती के तर्ज में लिखा हुआ नावल है? जवाब, डी उमराव जान अदा। सवाल, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? जवाब, ए फैज़ अहमद फैज़। सवाल, अंग्रेज़ी की शेरी रवायत का पर्तव किसकी गज़लों में नज़र आता है? जवाब, सी फिराक गोरखपुरी। सवाल, किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? जवाब, बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? जवाब, डी मोहम्मद इकबाल। सवाल, मगरबी तर्ज हयात को तंज व तहजीक का हदफ बनाने वाला शायर? जवाब, सी अकबर इलाहाबादी। सवाल, मजमू नक्स क्या है? जवाब, डी तस्करा। सवाल, शोराय उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ है? जवाब, सी हनीफ नकवी। सवाल, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहते हैं? जवाब, बी मीर तकी मीर। सवाल, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए? जवाब, डी तलाश में है सहर बार बार गुजरी। सवाल, खिरद का नाम जुनू पड़ता है पड़ गया खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे किसका शेर है? जवाब, सी हसरत मोहानी। सवाल, ज़ैनुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? जवाब, डी गुलजार नसीम। सवाल, कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बैती की नहीं है? जवाब, सी सपनों के देश में। सवाल, किस नाक़िद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? जवाब, डी मोहम्मद हसन अस्करी। सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त है? जवाब, सी नकातुल शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। सवाल, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया ये शेर किसका है? जवाब, सी मजरू सुल्तानपुरी। सवाल, उमराव जानदा का किरदार फजल अली क्या है? जवाब, सी डाकू। सवाल, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? जवाब, सी जामिया। सवाल, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम? जवाब, डी आतश। सवाल, मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को तीन चीज़ दी गालिब उर्दू और ताजमहल ये किसका कौल है? जवाब, बी रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल, उमराव जान
किस शायर की शरीके हयात थी? जवाब डी गालिब। सवाल, दास्तान ज़बाने उर्दू किसकी तसनीफ है? जवाब सी शौकत सब्ज़वारी। सवाल, प्रेमचंद ने अपने किस नावेल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? जवाब बी गोशाए आफियत। सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शोहर का नाम क्या है? जवाब ए सुंदरलाल। सवाल, सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। जवाब ए। सवाल, जहर निषाद अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए जाए शरीर, किसके कसीदों का मतला है? जवाब सी ज़ौक। सवाल, ज़ेल में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? जवाब ए दर्द। सवाल, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जवाब डी बांगेदरा, बाल जिब्रेल, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही दीजिए। जवाब सी आबरू मीर नासिख गालिब। सवाल, दीवाने गालिब को इलहामी किताब किसने कहा? जवाब डी अब्दुलरहमान बिजरौरी। सवाल, कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? जवाब बी। सवाल, ये तर्ज ख़ास मेरी दौलत थी सिवा एक ज़ालिम पानीपत, अंसारियों के महल्ले में रहने वाला लूट ले गया, गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही है? जवाब डी मौलाना ताफ हुसैन हाली। सवाल, गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? जवाब सी अब्दुल हलीम शरर। सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? जवाब सी शबले नुमानी। सवाल, हयात जावेद किसकी सवान हयात है? जवाब डी सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल, हयात ले चलो कायनात ले चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले चलो, ये शेर किसका है? जवाब डी मखदूम। सवाल, नज़्म साकी नामा इकबाल के किस मजमू कलाम में शामिल है? जवाब बी बाल जिब्रेल। सवाल, उर्दू में ज्ञान पीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़िम्रा सही है? जवाब डी फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरयार। सवाल, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिया को किसने पेश किया है? जवाब ए हाफिज़ महमूद शेरानी। सवाल, रजज किस सिंफ का जुज़ है? जवाब बी मर्सिया। सवाल, दया शंकर नसीम का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? जवाब ए दबिस्तान लखनऊ। सवाल, मसनवी सैफुल मलूक वो बदीउज़्ज़मा का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब बी
غواسی۔ سوال، ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ جواب، سی، مجالس النساء۔ سوال، اس شعر کا مصرع اولی کیا ہے؟ جواب، ڈی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ سوال، قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ جواب، بی، نصرتی۔ سوال، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، اے، ولی محمد۔ سوال، حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ جواب، اے، مثنوی۔ سوال، کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ جواب، سی، ڈپٹی نذیر احمد۔